इंडिया में जब आप होते हैं और रात के टाइम आपको आइसक्रीम खाने का मन करता है तो क्या करते हैं भाई? आइसक्रीम खाने जाते हैं और आपको आसानी से मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। रात में हम निकले हैं और ये टाइम हो रहा है 10:30 PM, हिल क्रॉफ्ट की तरफ आए हैं क्योंकि यहाँ पर सारे देसी स्टोर होते हैं। हमने कई जगह देखा लेकिन फिर सोचा कि चलो हिल क्रॉफ्ट चलते हैं, वहाँ पर मिल जाएगा। ये देखिए, ये जो है हिल क्रॉफ्ट शॉपिंग प्लाज़ा है, सब कुछ यहाँ पर क्लोज़ हो चुका है 10:30। 8 बजे से ही कुछ दुकानें बंद होना शुरू हो जाती हैं। तो मैं यहाँ पर सर्च कर रही हूँ कि क्या कोई आइसक्रीम पार्लर खुला है या फिर नहीं, लेकिन हाँ, मेरी एक नज़र पड़ी है एक आइसक्रीम स्टोर पर और आगे से यू टर्न ले लिया है मैंने। अब यहाँ से राइट लेंगे और ये देखिए सामने है आइसक्रीम पार्लर। तो यानी जो मैं सोचकर आई थी कि कुछ ना कुछ खुला तो मिल ही जाएगा आइसक्रीम खाने के लिए, तो फाइनली मुझे एक आइसक्रीम पार्लर खुला हुआ मिल गया है। तो चलिए यहाँ से चलते हैं अंदर और देखते हैं कितनी वैरायटीज़ की आइसक्रीम यहाँ पर मिल जाएंगी। तो रात में आइसक्रीम खाने की सब जगह ढूंढा लेकिन नहीं मिला, तो हमने सोचा हिल क्रॉफ्ट चलते हैं, हिल क्रॉफ्ट में तो सब कुछ मिल जाता है। और अभी जो है 10:30 हो रहा है तो मुझे लगा शायद ओपन होगा। ये है क्वालिटी आइसक्रीम और यहाँ से हम अंदर चलते हैं और अपनी पसंद की आइसक्रीम लेते हैं। और ये मैं आ गई हूँ अंदर, तो ये है छोटा सा आइसक्रीम पार्लर और क्योंकि बंद होने वाला है, रात के 11 बजे ये बंद होता है, इसलिए यहाँ पर साफ़ सफाई हो रही है और अब बंद करने की तैयारी हो रही है आइसक्रीम पार्लर को। लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम है तो इसलिए हमको आइसक्रीम मिल जाएगी। तो ये देखिए कितनी वैरायटी में यहाँ पर आइसक्रीम मिल रही है। और ये देखिए रात में भी जो लड़की है वो यहाँ पर बैठी हुई है और पूरा जो स्टोर है वो संभाल रही है। हालांकि मैंने ये सारा कन्वर्सेशन कैप्चर किया था लेकिन मैं इसके ऑडियो को अप नहीं कर सकती हूँ क्योंकि पीछे गाना चल रहा था जिसकी वजह से स्ट्राइक आने का डर था, तो इसलिए मैंने साउंड को म्यूट कर दिया है और वॉइस ओवर में कर रही हूँ। तो ये अलग अलग वैरायटी की यहाँ पर आइसक्रीम मिल रही है और मैंने जो आइसक्रीम यहाँ पर ली थी वो मैंने मिक्स करवाई थी कि जो सबसे बेस्ट आइसक्रीम्स हैं उनको आप मिक्स करके दीजिए। तो ये वो दे रही हैं और ये यहाँ पर सबसे पहले उन्होंने मुझे ट्राई करवाया क्योंकि ये पर्पल सी जो आइसक्रीम थी इसका कलर मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा था, इसलिए उन्होंने मुझे ट्राई करवाया। और ये देखिए यहाँ पर कोन तो मैंने नहीं लिया, मेरे हस्बैंड ने कोन लिया था लेकिन मैंने कोन नहीं लिया है। मुझे तो भाई आइसक्रीम बिल्कुल बॉक्स में चाहिए तो फिर मैंने उनको बताया कि मुझे बहुत अच्छी लगी है। तो देखिए लड़की जो है सारी जो आइसक्रीम जिनको मैंने चूज़ किया है वो बनाने चली गई है। ये देखिए अलग अलग वैरायटी है, सामने आप बोर्ड देख रहे हैं, ये स्टोर है कुछ इस तरह से। बैठने का भी पूरा एक तरह से कहा जाए प्रबंध है, बैठने का भी इंतज़ाम यहाँ पर किया गया है और रेट्स भी वाजिब है। ये जो हमने दो आइसक्रीम ख़रीदी हैं इसके हमने $13 पे किए हैं। अगर हम इंडियन रुपीज़ में लगाएं हिसाब तो आप लगा लीजिए 83 से कितना हो जाता है, यानी पूरे 1000 की ये आइसक्रीम पड़ी है हमें दो। तो अगर इंडिया में अगर आप लें 1000 में आप कितनी आइसक्रीम्स ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर रेट्स बिल्कुल अलग हैं। फिर भी मुझे ये लग रहा है कि $13 में हमने जो दो आइसक्रीम ली है वो बिल्कुल परफेक्ट है। और ये देखिए सामने बोर्ड जो लगा हुआ है वो अलग अलग फ्लेवर का है। और इस दौरान मैं ये जो स्टोर में लड़की थी इनसे मैं बात कर रही थी और बहुत ही स्वीट थी ये और मैं इनका नाम ही नहीं पूछ पाई, मैं आइसक्रीम में इतनी गुम हो गई तो मैं यही सोच रही हूँ कि मैं नेक्स्ट टाइम जाऊँगी और बातचीत करूँगी इनसे और बाहर बुलाकर, क्योंकि अंदर क्योंकि गाना चल रहा है तो मैं उस वीडियो को नहीं दिखा सकती हूँ गाने चलते हुए, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि YouTube में पॉलिसी है गाने वगैरह अगर चलते हैं तो वो स्ट्राइक लगा देते हैं। तो उस चीज़ से बचने के लिए फिर मुझे वॉइस ओवर डालना पड़ा है। बहुत अच्छी कन्वर्सेशन हुई थी तो मैंने यही सोचा है कि मैं नेक्स्ट टाइम फिर से यहाँ पर आऊँगी और कन्वर्सेशन को कैप्चर करूँगी और उसको अपलोड करूँगी। ये देखिए कुछ और फैमिलीज़ भी जो कि देसी फैमिली हैं वो यहाँ पर आती हैं। तो आप ये मत सोचिए कि अमेरिका में अगर आप हैं तो रात के टाइम आप निकलेंगे तो आपको चीज़ नहीं मिलेगी, समटाइम मिल भी जाती है, कुछ स्टोर खुले रहते हैं और कई तो ऐसे स्टोर हैं जो 24/7 भी खुले रहते हैं। लेकिन ये इस तरह का जो पार्लर है वो आपको नहीं मिलेगा खुला हुआ है। वो अगर मैं हिस्टन हिल क्रॉफ्ट की बात करूँ तो 11 बजे बंद हो जाता है। ये देखिए मैं अपनी आइसक्रीम अब यहाँ पर ट्राई कर रही हूँ। तो एज़ यूजल
जो आइसक्रीम है वो बहुत ही टेस्टी है यहाँ पर, और मैं तो यहाँ पर दोबारा आऊँगी। अगर रात के टाइम मुझे कभी आइसक्रीम खानी होगी और मुझे क्रेविंग होगी तो डेफिनेटली मैं यहाँ पर आऊँगी। और अब यहाँ पर मैं अपने पैसे पे कर रही हूँ। पूरा जो मेरा बिल बना है, टोटल बिल दो आइसक्रीम का, वो बना है $13.70 बना है। तो बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है, यहाँ पर आके खा सकते हैं। वैसे भी ह्यूस्टन में हिलक्रॉफ्ट वो जगह है जहाँ पर देसी कम्युनिटी के लिए सब कुछ मिल जाएगा। आप बस नाम लीजिए और वो चीज़ आपको मिलेगी, चाहे वो देसी खाना हो, चाहे वो देसी स्टोर हो, या फिर वहाँ पर आपको किसी भी तरह की शॉपिंग करनी हो देसी कपड़ों की, जो आप सूट सलवार या जिस तरह से भी कपड़े पहनते हैं, बड़े अच्छे अच्छे यहाँ पर शोरूम मिल जाते हैं देसी कपड़ों के लिए। और अब मेरे जाने का वक्त है, और क्योंकि स्टोर भी बंद होने वाला है, मैंने अपनी आइसक्रीम ले ली है और पैसे भी पे कर दिए हैं। अब मैं अपनी आइसक्रीम को खाते खाते यहाँ से निकल जाऊँगी। आई होप ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो ज़रूर वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लें।